हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा नीटिंग पैटर्न लेकर आई। बहुत ही सुंदर बना हुआ है, देखिए जैसे क्रोशे से बनाया हो लेकिन हमने सिलाइयों से बनाया है इसको। तो देखिए, दो सिलाइयों का ये पैटर्न है और तीन के मल्टीपल में हम इसमें स्टिचेस डालेंगे। तीन तीन का पैटर्न है और इसके बाद हम दो स्टिच है जो अपने वो एच स्टिच के लिए एक्स्ट्रा डालेंगे। बहुत ही इजी है और बना हुआ बहुत ही प्यारा लगता है। तो आप अपने किसी भी कार्डिगन के लिए, जैकेट के लिए, स्टॉल शॉल मफलर के लिए, किसी चीज के लिए इसको बना सकते हैं। ये बना हुआ सुंदर लगेगा। आप इसको मोटी सिलाई से बनाएंगे तो और भी अच्छा बनेगा। मैंने लेकिन 10 नंबर की सिलाई ली हुई है, बहुत ही अच्छा बनकर आएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने इसमें 3 के मल्टीपल में स्टिचेस डाल लिए हैं। और अगर आपने बॉर्डर बनाया हो तो आप अपना पैटर्न है जो सीधी साइड से ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन मैंने बॉर्डर नहीं बनाया तो इसलिए मैं पहले इसकी बेसिक सिलाई डाल लेती हूँ। सीधी सीधी बनाकर कंप्लीट कर लेंगे बेसिक सिलाई को हम, इसलिए मैं बेसिक सिलाई एक बना रही हूँ क्योंकि फिर उल्टी साइड है, सीधी साइड से हम अपना पैटर्न स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप बॉर्डर के साथ बना रहे हो तो आप बेसिक सिलाई नहीं डालेंगे। अब हम अपना स्टार्ट करते हैं पैटर्न सीधी साइड। पहला हमने स्टिच है जो अपना ऐसे उतार लेना है, उसके बाद धागे को आगे करेंगे। एक स्टिच हमने स्लिप करना है, उसके बाद जो दो स्टिच हमने इकट्ठे बना लेने हैं, जाली डालेंगे हम। फिर जो हमने स्टिच स्लिप किया था उस स्टिच को हमने इसके ऊपर से, इसमें हमने सिंगल जाली डाली है, अब हमने डबल जाली बनानी है। धागा आप ऐसे घुमा लीजिए। तो देखिए, आपने फिर एक स्टिच है जो स्लिप कर लेना है, उसके बाद दो स्टिच हैं जो उनको इकट्ठे बनाना है, फ्रंट लूप से इकट्ठे बना लेंगे इनको। उसके बाद जो स्टिच हमने स्लिप किया था उसको ऊपर से उतार देंगे। देखिए, आगे फिर यही तीन स्टिच जो हमारे रिपीट होंगे। फिर देखिए, जब डबल जाली बनाने के लिए हमने धागे को बल डाला, उसके बाद एक स्टिच स्लिप किया, दो स्टिचेस को हमने इकट्ठे सीधे बना दिया। फिर जो हमने स्लिप किया था स्टिच को, उस स्टिच को हमने उतार देना है। आगे फिर वही, देखिए यही रिपीट होगा पूरी सीधी सिलाई में। ये पैटर्न की फर्स्ट रो है। उसके बाद हमने जो स्लिप किया था स्टिच इसके ऊपर से उतार देंगे। ऐसे ही फिर हम इसको रिपीट करते जाएंगे। उसके बाद जो ये सिंगल स्टिच है, जैसे हमने स्टार्टिंग में सिंगल जाली डाली थी, अब लास्ट में भी सिंगल जाली डालेंगे। हमने ऐसे बल नहीं डालना, हमने सिर्फ धागा आगे करना है और इसको सिंगल जाली बना लेनी। देखिए, ये हमारी फर्स्ट रो बन गई। अब आती है हमारी सेकंड रो, उल्टी साइड। बस ये दो सिलाइयों का डिजाइन है, बस इसको बार बार रिपीट करते जाना है। देखिए, अब हमने पहला स्टिच है जो उल्टा बनाना है, दूसरा भी उल्टा, तीसरा फिर उल्टा। सारे स्टिच हमने इसमें उल्टे बनाने हैं, लेकिन जो हमने डबल जाली डाली थी उसको हमने एक स्टिच उसका उल्टा बनाया, एक सीधा बनाएंगे। देखिए, आगे फिर बताती हूँ आपको। देखिए, यहाँ से पैटर्न हमारा स्टार्ट हो गया है बनना, डिजाइन है जो। अब देखिए, देखिए ये स्टिच उल्टा बनाया और एक जाली का उल्टा बनाया और फिर एक जाली का सीधा बनाएंगे। जहां से डबल जाली स्टार्ट होती है उसमें हमने ऐसे करना है, लेकिन स्टार्टिंग में हमने सिंगल जाली डाली है तो उसमें हमने सारे स्टिचेस उल्टे बनाने हैं। फिर देखिए, उल्टे को उल्टा बनाया, जाली वाले को एक को उल्टा बनाया, एक को सीधा बना लेंगे। फिर देखिए, धागा आगे किया, उल्टे स्टिच को उल्टा बनाया, एक जाली वाला बनाया, फिर एक जाली वाला सीधा बनाएंगे। अब देखिए,
इसको उल्टा बनाएंगे, और इसमें हमने सिंगल जाली डाली थी तो ये तीनों स्टिच हमने उल्टे बना लिए हैं। फर्स्ट में और लास्ट में हमने जो सिंगल सिंगल जाली डाली थी इसलिए उसमें सारे स्टिचेस उल्टे बनाए हैं। यही दो लाइनें बार बार रिपीट होती जाएंगी। एक बार थोड़ा सा मैं बता देती हूँ आपको। देखिए, पहला स्टिच उतारना है, धागा आगे करना है, इसमें हम जाली डालेंगे, स्टार्टिंग में सिंगल जाली डालेगी, ध्यान रखना। एक स्टिच को स्लिप करना है, फिर आगे दो स्टिच हैं जो हमने इकट्ठे बनाने हैं। जो हमने स्टिच स्लिप किया था उसको इसके ऊपर से उतार देंगे। यही तीन स्टिच हमारे बार बार रिपीट होंगे। देखिए, ये स्टार्टिंग थी हमारी, लेकिन अब हमने डबल जाली बनानी है तो धागे को बल डालकर आगे लाना है। एक स्टिच स्लिप करना है, दो का एक बनाना है, फिर जो स्लिप किया था उसको इसके ऊपर से उतार देना है। स्टार्टिंग में सिंगल जाली और पूरी सिलाई में डबल जाली, लास्ट में फिर सिंगल जाली। यही हमारी सीधी साइड पूरी हमारी रो जो है कंप्लीट हो जाएगी बनके। देखिए, हमने अपनी थर्ड रो बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब आती है फोर्थ रो, बनेगी हमारी सेम। देखिए, पहला स्टिच हमने उल्टा बनाया, दूसरा भी उल्टा बनाया और तीसरा भी। देखिए, ये हमने इसलिए उल्टे बनाए, इसमें सिंगल जाली डाली थी, लेकिन अब हमने जहां पर डबल जाली डाली है देखिए वहां पर हमने एक उल्टा एक सीधा, उसके बाद जो हमारा उल्टा है उसको उल्टा बनाएंगे, फिर डबल जाली वाले को एक को उल्टा एक को सीधा। ये सारी सिलाई हमने ऐसे बनानी है। देखिए, फर्स्ट और सेकंड रो बार बार रिपीट हो रही है और हमारा जो पैटर्न है वो बनते जा रहा है। लास्ट में देखिए सिंगल जाली बनाई थी इसलिए सारे स्टिच हमने उल्टे बना लिए हैं। हमारी यही दो रो हैं जो बार बार रिपीट होंगे। ऐसा बन के आएगा हमारा पैटर्न। बहुत ही इजी है, यही बना हुआ सुंदर लगता है। आप जरूर ट्राई करना। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा बताया हुआ अच्छा लगा हो। लाइक शेयर कमेंट जरूर करना मेरी वीडियो को, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।